Hello everyone, welcome to your very own Easily. I'm Dr. Sudha, your mentor for biology. और आज की क्लास में हम कौन से चैप्टर शुरू करने वाले हैं? जैसा कि हमें पता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हम बहुत अच्छे से समझ के कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। हमने डिस्कस किया कि जो मेंडल के फैक्टर्स थे, दे आर एक्चुअली द प्रेजेंट डे जीन्स। और इसी के साथ साथ हमने बहुत सारे इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को डिस्कस किया, हमने क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे जीन है, जो हमारा मतलब इनहेरिटेंस का जो मॉलिक्यूल है, इनहेरिटेंस करवाने वाला, कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में हमें यही पता लगेगा कि व्हाट इज दैट जेनेटिक मटेरियल, मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेसिस बनता है किसका, इनहेरिटेंस का। जैसे कि आप हमारे चैप्टर के नेम से समझ सकते हैं, हमारा जो आज का चैप्टर है उसका डिस्कशन क्या है, जो डिस्कशन है आज हमारे चैप्टर का उसका नाम क्या है। देखो, ध्यान से देखो इस चैप्टर के नेम को, मॉलिक्यूलर। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो बनता है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बनेगा, ठीक है। तो आज हमें पता है दैट मॉलिक्यूल, दैट जीन्स, वो क्या है, वो है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए को हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस पर बात करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें ईजिली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा। ईजिली ऐप पर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करना पड़ेगा ईजिली ऐप को, ठीक है। दैट ईजिली ऐप EAZILY, ठीक है। तो ईजिली ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नया अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड यू विल क्लिक हियर टू क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। आगे उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट यू हैव टू फिल योर डिटेल्स, सारी के सारी जो डिटेल्स हैं आपकी वो आप फिल कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको OTP नंबर मिलेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे वेरीफाई विद OTP के साथ। OTP आते ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे वेरीफाई पर। वेरीफाई पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने खुलेंगे जितने भी कोर्सेज हमारे पास ईजिली ऐप पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, नीट को, राइट। इसको सिलेक्ट करेंगे और हमारी क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है, यू हैव टू सिलेक्ट 12th क्लास। जैसे ही आप 12th क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो जो नीट के लिए सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो आपके सामने बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। इनका प्राइस क्या है, अगर आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको देना होता है 8,999 रुपीज़, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद ये अमाउंट ज़्यादा लगे, या जिनको ये लगे कि यार हमें ये कोर्स जो है फ्री में मिल जाए, ड्यू टू एनी रीज़न, आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी रीज़न, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप एक काम करेंगे, फ्री ईजली इस कूपन कोड को एंटर कर देंगे और जैसे ही आप फ्री ईजली कूपन कोड एंटर करेंगे, ये पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए हो जाएगा वेव ऑफ। आपको एक भी पैसा नहीं देना है इस कूपन कोड को भरने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी यू कैन से कि एड फ्री वीडियोस, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल NCERT बेस्ड, राइट। तो स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास को। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, दैट इज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेस बनता है इनहेरिटेंस का, और इनहेरिटेंस का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, दैट द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू। जीन्स कहाँ है, डीएनए पर। तो डीएनए की कंडेंस फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। मेंडल के फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे, क्रोमोसोम्स पर। वही क्रोमोसोम जो आज के टाइम में उनके पर क्या प्रेजेंट है, जीन्स,
तो फैक्टर एंड जीन वन एंड द सेम थिंग, इतनी बात हम समझ चुके हैं. और वो जीन्स जो है वो एक तरह से क्या है, दैट इज डीएनए. बट सोच के देखो कैसे पता लगा. उस टाइम तो कोई एडवांसमेंट थी नहीं. मेंडल ने जस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने कुछ लॉज दे दिए, ठीक है. और जब वो लॉज दिए तो वहाँ से ना एक वो कहते हैं कि क्रांति से शुरू हो गई, कि सब साइंटिस्ट के मन में ये खलबली मच गई कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर आगे लेकर जा रहा है ना. तो वहाँ से धीरे 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 चीज़ें बढ़ती गई और आज हमें पता है कि हमें दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है दैट इज डीएनए. न्यूक्लिक एसिड जितने हैं हमारे पास, दो टाइप्स के हैं, डीएनए एंड आरएनए. कुछ वायरसेस के अंदर हमें आरएनए भी मिलेगा. बट पता कैसे लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए. तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए. एक्सपेरिमेंट्स के बाद बहुत सारे प्रूफ्स मिले कि डीएनए है क्या जेनेटिक मटेरियल और व्हाई डीएनए. हम उसका भी आंसर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है. तो चलो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. In this chapter, we will discuss about the DNA. हम इस chapter के अंदर discuss करेंगे what is DNA. हम discuss करेंगे DNA की structure को और हम discuss करेंगे DNA की types को, ठीक है. एक बहुत ही important, बहुत ज़्यादा weightage वाला chapter है, ठीक है. ये जो पूरी की पूरी जो genetics की unit है that is most important. चाहे आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, this chapter is of maximum weightage, right? हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, हम पढ़ेंगे आरएनए के टाइप्स के बारे में, राइट. और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनसे ये प्रूफ किया गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द आरएनए, ठीक है. और फिर हम बात करेंगे डीएनए से, अगर पेरेंट्स से डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है तो मतलब उस डीएनए की कहीं ना कहीं ये कॉपी भी बन रही होगी, राइट. आज हमें पता है कि सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए की कॉपी बनती है इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, राइट. अब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज रेप्लिकेशन. हम इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स में इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, राइट. ओके, डीएनए से डीएनए कॉपी बन गई तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, राइट. तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है बट इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोटीन्स जो बनानी है, जो जीन्स से प्रोटीन्स बनानी है हमें कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए. प्रोटीन्स बनती हैं बेटा साइटोप्लाज्म में, ठीक है. तो अब साइटोप्लाज्म में डीएनए तो जा नहीं सकता, न्यूक्लियस से निकलकर डीएनए तो जाएगा नहीं साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स बनवाने के लिए. तो उसको क्या करना पड़ता है, डीएनए को बनवाना पड़ता है आरएनए जो उसका मैसेज ले जाए, जो उसका मैसेज ले जाए न्यूक्लियस से कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और क्या बनवा दे, प्रोटीन्स बनवा दे, राइट. वो प्रोटीन्स ही हैं जो पूरे के पूरे जो हमारे कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, ठीक है. तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह आरएनए जो है डीएनए के इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करवा पाता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए, जिसके पास क्या है इंफॉर्मेशन है कोडेड फॉर्म में, किसकी, डीएनए की. तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, मतलब जो डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट कौन करवाएगा, दैट इज आरएनए. तो उस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसलेशन. हम इस प्रोसेस के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है. ओके, फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, विच मॉलिक्यूल कैन बी टर्म्ड एज जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटीरियल किस मॉलिक्यूल को बोले, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स जो है, मतलब पहले बात करेंगे कौन सा ऐसी चीज है जिसको हम जेनेटिक मटीरियल बोल सकते हैं, क्या ये डीएनए है, क्या ये आरएनए है, ठीक है. उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है. ये हम डिस्कस करेंगे, राइट. ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट जितनी भी मतलब डिस्कवरीज हुई, कैसे हुई, वो सब हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करती है, ठीक है. बिकॉज हमारा जो बेस है दैट इज कम्प्लीटली एनसीईआरटी, राइट. ओके, चलो प्रीवियस चैप्टर में
देखो एनसीईआरटी वही बात कह रही है कि प्रीवियस चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ के आते हो ना जब तक तब तक आपको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज ही एक बार जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, तभी आप नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनको समझ पाएंगे। एनसीईआरटी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली और सिस्टमैटिकली डिज़ाइंड बुक है, हर चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जब तक आप रिप्रोडक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस समझ में नहीं आता। जब तक आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर नहीं समझ लेते तब तक आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट ये मैं गारंटी देती हूँ अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज फॉलो करते जा रहे हैं तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, ठीक है। चलो तो क्या सीखा था हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में, हमने देखे थे इनहेरिटेंस पैटर्न्स, ठीक है, एकदम सही बात है। और हमने जेनेटिक बेसिस जो डिस्कस किया था इन पैटर्न्स का, एट द टाइम ऑफ मेंडल क्या होता था, इनको हमने क्या बोला था, फैक्टर्स, ठीक है। जो जेनेटिक बेसिस था इनहेरिटेंस का उसको हमने क्या बोला था मेंडल के टाइम में, दैट वॉज कॉल्ड एज फैक्टर्स, ठीक है। रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इट वॉज नॉट क्लियर, क्लियर बात नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला था उसके जीते जी, उसके काम को एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। ये तो बाद में कुछ साइंटिस्ट आते हैं सर्टन एंड बोवरी जैसे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, तब जाके हमें पता लगा कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो जीन्स ही हैं, राइट। ओके, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, आने वाले मेंडल के टाइम के बाद भी नेक्स्ट 100 ईयर्स तक भी बात कर रहे हैं कि द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल जो फैक्टर्स हैं वो किस, उनका जो किस केमिकल नेचर क्या है, वो किस चीज़ के बने हुए, ये तब तक भी क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। कल्मिनेटिंग द रियलाइजेशन दैट, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, माइक्रोस्कोप्स आते गए, क्रोमोसोम्स की स्टडी होने लगी है ना, तो तब हमें पता लगा कि DNA जिसकी फुल फॉर्म क्या है, deoxyribonucleic acid, क्या है ये, दिस इज द जेनेटिक मटीरियल एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेंडल के वर्क के बाद बहुत सालों तक काम चलता रहा, साइंटिस्ट अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहे, तब जाके एक चीज़ तो हम पक्का कर पाए कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये किसकी पिक्चर है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। आज पता है बेटा आपको, आज आपको पता है कि जो DNA है यही है जेनेटिक मटेरियल, बट उस टाइम में नहीं पता था, ठीक है। जस्ट मेंडल का जो काम था, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू हुए जहाँ से हमें ये धीरे धीरे समझ में आता गया कि आज जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज DNA। ओके, देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो टाइप के क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आ रही है कि न्यूक्लिक एसिड मतलब समथिंग, कोई एसिडिक चीज़ है, that can be DNA, that can be RNA, right? Okay. इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, हम एक बार ये देखते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल जिसको जेनेटिक मटेरियल बनना है उसके पास क्वालिटीज़, उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देखना, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो पेरेंट्स से अपने बच्चों तक कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू होता है, DNA के थ्रू, या ऐसा मान लो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल ऐसा तो नहीं कि खुद चल के जाएगा, नहीं, वही बात सेम, अगर मेरे पास मान लो नोट्स हैं, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में देना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, क्या मैं उन नोट्स की जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है नोट्स के फॉर्म में, क्या मैं उसको फाड़ कर आपको दूंगी, नहीं, मैं क्या करूंगी, उसकी फोटोकॉपी करवा के आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूंगी ताकि सब बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम पहुंच जाए, ठीक है। तो यही कोशिश किसकी रहती है, जेनेटिक मटीरियल की, कि जो भी इन्फॉर्मेशन पेरेंट के जेनेटिक मटीरियल के पास है वही इन्फॉर्मेशन सेम कहाँ चली जाए, उनके बच्चों में चली जाए। इसीलिए ह्यूमन का बेबी ह्यूमन, कैट का बेबी कैट, रैट का बेबी रैट होगा, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो इसका मतलब कॉपी बनाने की कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, जेनेटिक मटेरियल
should be able to replicate. ठीक है, ओके. ये एक डीएनए था. फॉर एग्जाम्पल हम ये बना रहे हैं, मान लो ये हमने डीएनए बनाया. ठीक है, इस डीएनए के पास क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है. राइट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, मान लो ये कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास कैपेबिलिटी है क्या बनाने की, अपने जैसी अपनी एक और कॉपी बनाने की. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिससे एक कॉपी बन जाती है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रेप्लिकेशन. तो मतलब मैंने क्या बोला, डीएनए से, डीएनए मत करो भी, जैन हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की क्या बन जाए, कॉपी. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेशन. राइट, ओके, आगे सुनो. अब देखो, हमने ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन पर्पस था, नेचर ने क्यों, मतलब एडवांसमेंट हुआ, क्यों नेचर ने प्रेफर किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, वो था वेरिएशंस का आना. ठीक है, अब वेरिएशंस आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो हमने ये देखा कि दो जो जेनेटिक मटेरियल है, मेल एंड फीमेल, उनके जेनेटिक मटेरियल का आपस के अंदर फ्यूजन होने से एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, दैट लीड्स टू वेरिएशन. ठीक है, तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन, जिसके अंदर सडन इनहेरिटेबल चेंजेस आ सके, दैट इज नोन एज म्यूटेशन. और वो म्यूटेशन कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए. और जब म्यूटेशन स्टेबल होंगी तो अच्छी वाली जो वेरिएशंस आ गई, जो म्यूटेशन आ गई, दे आर कैरी फॉरवर्ड. वो हेल्प करेंगी, वेरिएशंस हेल्प करेंगी एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, दैट मीन्स एवोल्यूशन में हेल्प करेंगे, मीन्स सर्वाइवल में हेल्प करेंगी. द जेनेटिक मटीरियल शुड हैव द क्वालिटी टू रेप्लिकेट एज वेल एज इट हैज द कैपेबिलिटी टू अंडरगो स्टेबल म्यूटेशन. ठीक है, ओके. दूसरी बात हमने ये बोली, जेनेटिक मटेरियल की जो कॉपी बनी इसके पास, दैट मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन है. जैसे कि मैंने आपको बोला, नोट्स के अंदर मेरे आपको देने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है. अब उस इन्फॉर्मेशन को आपके तक पहुंचाए कौन, आपके तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचे, तो इसी तरह से डीएनए की इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, दैट विल बी, मतलब जेनेटिक मटेरियल के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेके जाएगा, मतलब उसके लिए एक ऐसा और सब्सटेंस होना चाहिए जो उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, आगे पहुंचा सके. मतलब जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. राइट, ठीक है, अब उस इन्फॉर्मेशन को आगे तो ले गए, अब उसको कोई पढ़ने वाला भी चाहिए. ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू, क्या बोलेंगे, कि प्रोडक्ट, उसकी जो पढ़ के हम उससे प्रोडक्ट बना सकें. ठीक है, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसलेट इट सेल्फ. राइट, तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए. अब हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप की होती है, डीएनए होता है, आरएनए होता है. तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्यों आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर मैं छोड़ दूं, और क्यों डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ओके, चलो आगे आओ. तो अब देखो, यस, डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इस लाइन को स्टार कर लेंगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, आरएनए दो, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस. मैंने क्या बोला, कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है, तो कुछ वायरसेस के अंदर हमें क्या मिलता है, आरएनए, दैट मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर. आरएनए का काम क्या है, जो डीएनए का मैसेज है वो लेकर जाता है कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर. तो इट एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस जैसे ऑर्गेनिजम्स. ओके, आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल. और क्या क्या काम करता है, ठीक है, हम इसको आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे क्यों आरएनए नहीं है जेनेटिक मटेरियल. भले ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट और बहुत सारे काम करता है. डीएनए की इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, मतलब एज अ मैसेंजर एक्ट करता है. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ अडाप्टर, मतलब
जब प्रोटीन्स बनानी होंगी तो अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करेगा स्ट्रक्चर, उन अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कराके प्रोटीन्स बनाने का काम करेगा, एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल फास्ट भी करवा देगा उस प्रोटीन बनने वाले रिएक्शन को. ठीक है, तो क्लास 11th में यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. हमें पता है बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़कर आए हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे बनती हैं. फिर भी हम एक बार फिर से देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनती हैं. ठीक है, एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, दैट इज फॉर्म आ न्यूक्लियो पॉलीमर. पॉलीमर मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, जस्ट मेक इट सिंप्लीफाइड, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर. ठीक है, प्लस क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन बेस, और प्लस क्या है, फास्फोरस. ये तीन चीज़ें मिलके बनाती हैं एक न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम जोड़ दें तो वो बनता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो दैट इज डीएनए और आरएनए कैसे बनता है वो हम देखेंगे. अच्छा, अब आरएनए की टाइप्स देखो, आरएनए में पता है आरएनए के मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज कैरी करता है डीएनए का कहाँ, साइटोप्लाज्म में. आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. दिस इज द जो आज हमारा जो चैप्टर है, इट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस चैप्टर. आगे आ जाओ, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे. ठीक है, हम इसके रेप्लिकेशन के प्रोसेस की बात करेंगे, और हम बात करेंगे आरएनए के बनने की बात करेंगे फ्रॉम डीएनए, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन. राइट, ओके. द जेनेटिक कोड दैट डिटरमिन्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स, सीक्वेंस अमाइनो एसिड किस तरह से जुड़ेंगे ताकि वो प्रोटीन्स बना सकें. ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे किस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. राइट, ओके. एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, और ये प्रोटीन जो बनती है किस तरह से इसका जो बनने का प्रोसेस है उसको रेगुलेट किया जाता है, तो उसके लिए हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रेगुलेशन के मैथड्स देखेंगे. हम लैक ऑपेरॉन जैसे कुछ रेगुलेटर्स को भी डिस्कस करेंगे. राइट, द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम. देखो, ह्यूमन माइंड है, क्यूरियस माइंड है. अब जब पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्या है, दैट इज डीएनए, तो अब ह्यूमन के माइंड के अंदर यह आया कि क्यों ना जो ह्यूमंस का जीनोम है, मतलब टोटल जो सेट है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज जीनोम, तो क्यों ना हम उसको भी एक बार सीक्वेंस करके स्टडी कर लें कि किस तरह से ये सारा अरेंज है. तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग लास्ट डिकेड हैज सेट इन अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स, वी विल डिस्कस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑल्सो इन दिस चैप्टर. एंड इन द लास्ट सेक्शन एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग, इसके सिक्वेंसिस कॉन्सिक्वेंसिस, ये भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो एनसीईआरटी कहती है अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को. तो पहले ये बताया गया कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके ओके, लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर की. मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज डीएनए. ऐसा क्या है इस डीएनए के अंदर कि जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है आगे पहुंचा देता है, कहां तक, कहां तक, पेरेंट्स से अपने बच्चों तक. कौन है जो मेरे नोट्स की इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचा दे, है ना, दैट इज डीएनए. डीएनए मतलब मेरे नोट्स आपके तक कैसे पहुंचेंगे, तो इसका मतलब पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन है बेबीज के बनने की, वो कैसे पहुंचेगी, थ्रू डीएनए. इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल. क्यों डीएनए है बेटा जेनेटिक मटेरियल, क्यों हमने आरएनए को नहीं बनाया जेनेटिक मटेरियल, एंड व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप, तो आरएनए के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले आ जाओ डीएनए पर आ जाओ. ठीक है, डीएनए क्या है, पहले तो नाम देखो इसका पूरा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. डी ऑक्सी
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज कितनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर, या अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसको हम क्या बोलेंगे, बेस पेयर, ठीक है। मतलब कितनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितना है, वो क्या बनाता है, दैट इज फॉर्मिंग द लेंथ ऑफ डीएनए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, तो आप सिंपल से क्या आंसर दोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यू विल सिंपली आंसर दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज द लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। और अभी हम समझेंगे कि बेस पेयरिंग क्या होती है। जैसे कि आप अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है, और इनके बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं। वी विल सी द स्ट्रक्चर नाउ, ठीक है, ओके। दिस इज ऑल्सो, अच्छा, अभी जो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करता है। दैट मीन्स जो डीएनए की लेंथ है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, और आपको याद भी रखनी है ये वाली चीज़, अब बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, द वायरस विच कैन अटैक आ बैक्टीरियम, ठीक है, दैट इज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज नोन एज 5X174, क्या बोलेंगे इसको, 5X174। कितने न्यूक्लियोटाइड है बेटा इसके पास, 5386 न्यूक्लियोटाइड। इस नंबर को याद रख लेंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दूसरा बैक्टीरियोफाज, मतलब वायरस की बात हो रही है, लैम्डा, बैक्टीरियोफाज लैम्डा के पास कितनी है, 48502 बेस पेयर, ठीक है। तो 5X174 के पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और बैक्टीरियोफाज लैम्डा के पास, लैम्डा के पास कितनी है, 48502 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, बेस पेयर्स हैं। दीज आर बेस पेयर, बीपी का मतलब होता है बेस पेयर्स, राइट। अशचिय कोलाई है ना, अशचिय कोलाई जिसका नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, उसके पास कितने होते हैं, 4.6 से लेके 10^6 बेस पेयर। दिस इज 10^6 बेस पेयर। और एक हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, दैट इज 3.3×10^9 बेस पेयर, 10^9 बेस पेयर, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम हैप्लॉयड सेट ऑफ DNA, that is human DNA, जो जीनोम है उसके पास कितने होंगे, a haploid content of human DNA, that is known as genome, कितने बेस पेयर्स होंगे, 3.3×10^9 बेस पेयर। अभी क्या भी याद कर लोगे, लैम्डा के पास कितने हैं, 48502 बेस पेयर, 5X174 के पास 5386 बेस पेयर, राइट, और अशचिय कोलाई के पास 4.6×10^6 बेस पेयर। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेरी करने की वजह से क्या होता है, डीएनए की लेंथ जो है वो वेरी करती है, राइट। तो एनसीईआरटी की लाइन से, तो आपको ये याद रखनी ही रखनी है। अब आ जाओ कि हम जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो उस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ओके। लेट अस रिकैप्चुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉली, दोबारा मतलब रिवाइज कर लेते हैं जो हम 11th क्लास में कर आए हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, दैट कैन बी डीएनए, दैट कैन बी आरएनए, ठीक है, ये बात याद रखना। जो न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर है, पॉली न्यूक्लियोटाइड जो चेन है, दैट कैन बी डीएनए, दैट कैन बी आरएनए। फर्क क्या होता है ये हमें पता है, फिर भी हम एक बार और डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियोटाइड के पास मैंने क्या बताया आपको, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, अ नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर, जो आरएनए के केस में हो जाएगी राइबोज, क्या हो जाएगी, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए, और क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो, ये है एक पेंटोज शुगर बेटा, ये क्या है, पेंटोज शुगर, राइट। इसके दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इसके साथ ही अटैच है 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, OH, कौन सी शुगर है, इसका मतलब राइबोज शुगर है। इसके साथ क्या अटैच है, फर्स्ट
पोजिशन पे कार्बन की देयर इज द नाइट्रोजन बेस दैट इज टी, लिखा तो थाइमिन है, दिस इज द नाइट्रोजन बेस, ठीक है. और फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है बेटा यहाँ पे फास्फोरस, दैट इज द फास्फेट ग्रुप. तो इसका मतलब तीन चीजें आनी चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर. एक तो पेंटोज शुगर आनी चाहिए, दैट कैन बी राइबोज, दैट कैन बी डीऑक्सीराइबोज, राइट. एक क्या आनी चाहिए, फास्फेट ग्रुप आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए नाइट्रोजन बेस. ये तीनों चीजें मिलके क्या बना देती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड. अब ऐसी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर ज्वाइन कर दूं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अभी हम बात करें, हमने अभी भी क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि जो पेंटोज हैं, पेंटोज क्या है, दैट कैन बी राइबोस, दैट कैन बी डीऑक्सीराइबोस, ठीक है. अगर मैं ये जो हमारे पास अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की, अगर मैं थर्ड वाले से ऑक्सीजन हटा दूं, ओनली एच रह जाए, ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सी, ऑक्सीजन को हटा दिया, तब ये शुगर कौन सी बन जाएगी, दिस इज डी ऑक्सीराइबोस शुगर. किसके अंदर प्रेजेंट हो गया, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बनाएगी, डीएनए, राइट. इतनी बात क्लियर है. बट अगर मैंने वही वाली सेम स्ट्रक्चर बनाई, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, अगर मैंने यहां से मान लो, मैंने यहां भी OH है हमारे पास, वेट, और यहां भी OH है, ठीक है, तब ये कौन सी शुगर है, दिस इज राइबोज शुगर. ये क्या बनाएगी, RNA, ठीक है. सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, और उसके फिफ्थ पे लगे फास्फेट ग्रुप. तो आपको ध्यान रखना है डीएनए के अंदर जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस. थर्ड कार्बन एटम से ऑक्सीजन हटने की वजह से इसका नाम हो जाता है डीऑक्सीराइबोस. बट अगर ओएच ग्रुप प्रेजेंट है थर्ड कार्बन एटम पे, देन इट इज राइबोस शुगर. तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होगी, ठीक है. ओके, नाइट्रोजन बेसिस की बात कर लेते हैं. नाइट्रोजन बेस हैं हमारे पास दो तरह के नाइट्रोजन बेस हैं, ठीक है. एक है बेटा प्यूरिन्स, जैसे कि एडिनिन एंड ग्वानिन. याद करोगे हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसिस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक तो है बेटा प्यूरिन्स, एक है पायरीमिडिन्स. क्या है, पायरीमिडिन्स. ए जी कौन है, प्योर है, दैट इज प्यूरिन है, प्यूरिन ए जी. और सी टी यू पायरीमिडिन, सी टी यू साइटोसिन थाइमिन यूरेसिन, ठीक है. तो प्यूरिन्स कौन सी है हमारे पास, एडिनिन एंड ग्वानिन. दिस आर स्ट्रक्चर्स ऑफ एडिनिन एंड ग्वानिन, ठीक है. और पायरीमिडिन्स क्या है, दिस आर साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिन. तो इसको याद रखोगे, सी टी यू पायरीमिडिन क्या है, सी टी यू. प्यूरिन्स क्या है, ए एंड जी. ये दोनों क्या है, नाइट्रोजन बेसिस हैं, राइट. अब देखो, दिस प्यूरिन मतलब दिस नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, बट एक ही डिफरेंस है बेटा. डीएनए के अंदर जो हमारे पास थाइमीन है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए. डीएनए के अंदर क्या है, थाइमीन है, बट जब आरएनए बनेगा, आरएनए के अंदर यही थाइमीन क्या रिप्लेस हो जाएगी, यूरेसिल से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है. ओके, तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन. इतनी बात क्लियर है. तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, शुगर कितनी टाइप्स की है हमारे पास, पेंटोज शुगर. अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो डीएनए, राइबोस शुगर है तो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का नाम. और क्या है बेटा, नाइट्रोजन बेसिस हैं कितने तरह के, दो तरह के, प्यूरिन्स एंड पायरीमिडिन्स. प्यूरिन्स कौन से हैं, ए एंड जी, एडिनिन एंड ग्वानिन. साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल, ये क्या है बेटा, पायरीमिडिन्स, राइट. चलो आ गया हो, अब देखो स्ट्रक्चर, देखो न्यूक्लियोटाइड्स की बनेगी कैसे. और नाइट्रोजन जो बेस है, कुछ भी हो सकता है, एडिनिन थाइमिन व्हाटएवर, is linked to the OH of first carbon pentose sugar. मतलब इस जगह पे ये कौन सा है, ये this is the first carbon. इसके ऊपर क्या लगी हुई बेटा, nitrogen base, that can be AGCT, कुछ भी हो सकता है, right? Okay. और कौन सी linkage है, through a N glycosidic linkage. तो इस ये जो linkage बन रही है, इसका नाम क्या देंगे, N glycosidic linkage के through
फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर क्या अटैच है नाइट्रोजन बेस, कौन से लिंकेज से एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बातें हमें याद रहनी चाहिए बोथ बोर्ड एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बनेगा न्यूक्लियोसाइड, तो इसका मतलब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये दो चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसिन डी ऑक्सी एडिनोसिन सीन न्यूक्लियोसाइड है। जैसे ही आप पढ़ोगे सीन दैट इज आर न्यूक्लियोसाइड नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसिन और डी ऑक्सी ग्वानोसिन ठीक है, साइटिडीन और डी ऑक्सी साइटिडीन नाम से समझ में आ रहा है, डी ऑक्सी का मतलब डीएनए का पार्ट बनेगी, और यूरिडीन और डी ऑक्सी थाइमिडीन ठीक है। तो हमने पहले क्या बनाया है, हमने पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर प्लस एडिनिन, तो डी ऑक्सी एडिनोसिन डिपेंड करता है पेंटोज शुगर कौन सी है, क्या ये राइबोज है क्या ये डी ऑक्सी राइबोज है ठीक है। इसी तरह से ग्वानोसिन, इसका मतलब ये कौन सी है नाइट्रोजन बेस, ग्वानोसिन, और ये क्या है बेटा पेंटोज शुगर राइट। सेम साइटिडिन, साइटिडिन सी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूरिडिन यू और टी से। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके आगे आ जाओ, तो बेटा फिर हमें तो न्यूक्लियोटाइड बनानी है, वो कैसे बनाएं, तो अब एक काम करो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दो कहाँ पर, OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। हमने क्या बोला, दिस इज पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर ठीक है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट पे आपने क्या लगा दिया था, फर्स्ट पे आपने लगा दिया ये नाइट्रोजन बेस, दिस इज नाइट्रोजन बेस, इट कैन बी प्यूरीन इट कैन बी पायरिमिडीन ठीक है। तो इतनी इतनी चीज़ क्या बन गई हमारी, सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये बन गए बेटा इतना इतना पोर्शन, ये आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड ठीक है। अब इसके फिफ्थ कार्बन, फोर्थ के साथ यहाँ फिफ्थ है, फिफ्थ कार्बन एटम पे लगा दो फॉस्फेट ग्रुप, क्या लगा दो फॉस्फेट ग्रुप, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों चीजें मिलके बन जाएंगी न्यूक्लियोटाइड, क्या बन जाएंगी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप हटा दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगी न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या आ जाएगा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, अब अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड बनती है ऐसे ठीक है। अच्छा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किस बॉन्ड से अटैच होता है फिफ्थ कार्बन एटम के हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के साथ, थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर लिंकेज आर कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड ठीक है। शुगर दो ही तरह की हो सकती है, या तो राइबोज होगी या डीऑक्सी राइबोज होगी, फिफ्थ कार्बन एटम पे आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, लिंकेज कौन सी होगी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड राइट। ओके दो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे लिंक्ड है, अब देखो इसके पास क्या है बेटा OH फ्री है, तो यहाँ पर आके ये जो फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप है ये इसके साथ जाके अटैच हो सकता है ठीक है। वी विल सी नाउ, तो क्या बना देगा 3 5 3 5 5 मतलब 3 एंड कौन सा कार्बन एटम के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक न्यूक्लियोटाइड का, वो जुड़ा होता है फिफ्थ कार्बन के फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ क्या बनाने के लिए डाई न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से इस मैनर के अंदर हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या बन जाती है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो ध्यान से देखो कैसे बनता है, देखो ये तो चलो हो गया ना, यहाँ से ये थर्ड का OH है, इसको हम अटैच करा देते हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और हमें पता है कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ अटैच है फिफ्थ कार्बन एटम, फर्स्ट टू थ्री इसके ऊपर है फोर्थ और यहाँ है फिफ्थ कार्बन, तो फिफ्थ के साथ ये हमारा अटैच है ठीक है, 1 3 4 यहाँ पे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप, तो इनके बीच में हो जाती है लिंकेज, तो इस तरह से ये जुड़ जाती है दो न्यूक्लियोटाइड, इस तरह सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़ती जाएंगी ठीक है। लेट अस चेक किस तरह से बनती है न्यूक्लियोटाइड्स, अब देखो ध्यान से देखना है ना, दिस इज पेंटोज शुगर ओके, ये फर्स्ट कार्बन फर्स्ट, इस पर क्या अटैच है बेटा एडिनोसिन एडिनिन है ना नाइट्रोजन बेस, और दिस इज द फिफ्थ कार्बन एटम, इसके ऊपर क्या अटैच है बेटा फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ नंबर पे, थर्ड
थर्ड एंड वन दिस इज टू दिस इज थ्री, थर्ड एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज फ्री, दैट कैन बाइंड विद द फॉस्फेट ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड. ये कौन सी, ये वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज थर्ड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज फोर्थ न्यूक्लियोटाइड. इस तरह से बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाती हैं. किस तरह से जुड़ती हैं, फिफ्थ कार्बन एटम का जो फॉस्फेट है वो कहाँ जाके ज्वाइन कर लेगा, बॉन्डिंग कहाँ बनेगी, थर्ड कार्बन एटम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लिंकेज का नाम होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. तो इस तरह से बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ती जाएंगी और क्या बना देंगे, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मॉइटी एट द फिफ्थ एंड ऑफ द शुगर. ठीक है, तो वन एंड पे क्या आ गया बेटा, फ्री फॉस्फेट है, which is referred to as fifth prime end of the polynucleotide chain. Fifth prime end पे याद रखोगे क्या है, phosphate group. Three पे क्या है, hydroxyl group, right? Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free hydroxyl group of third carbon group, which is referred to as three prime end of the polynucleotide chain. अब जो backbone है, अब इस तरह से एक पूरी chain बन गई. ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो बैकबोन बन रही है दैट इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट. ये सी दिस वन, ये जो पीछे की ये जो सारी बैकबोन बन रही है, यहाँ पर इस साइड पर आपको नाइट्रोजन बेस नहीं नजर आ रही, आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर. ये क्या है, दिस इज द बैकबोन, बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फेट और शुगर की. वेरस जो नाइट्रोजन बेसिस है लिंक टू द शुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, देखो ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, कौन, नाइट्रोजन बेसिस, तो ये बनेगी अंदर की तरफ, बैकबोन किसकी बन गई, शुगर और फॉस्फेट की, राइट. तो ये बन गई बेटा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, राइट. ओके, अब वही चीज जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है. डीएनए और आरएनए का तो फर्क है सिर्फ और सिर्फ पेंटोज शुगर का. ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, पेंटोज राइबोज शुगर है. ये थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंड पे यही देयर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो ये इस मॉलिक्यूल को, मतलब ज़्यादा इसके पास किसके चांसेस है दूसरे मॉलिक्यूल्स के अटैच होने के, मींस दिस इज मेकिंग दिस राइबोज की वजह से ये जो न्यूक्लियोटाइड बनी दैट इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप. कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड पोजिशन, दिस वन, दिस इज, देखो ध्यान से देखो बेटा, इस सेकेंड पोजिशन पे एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा है जो हमने डी ऑक्सी के अंदर ऑक्सीजन हटा दिया था, तो OH ग्रुप को हमने खत्म कर दिया, कहाँ, डीएनए के अंदर, राइट, इन द राइबोज, ऑल्सो इन द आरएनए. अब यूरेसिल, यूरेसिल किससे रिप्लेस हो जाती है, एट द प्लेस ऑफ थायमिन, दैट इज 5-methyl यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थायमिन. तो याद रखोगे, नीट में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि थायमिन का दूसरा नाम क्या है, 5-methyl यूरेसिल, जो आरएनए के अंदर सिर्फ यूरेसिल है. ठीक है, तो 5-methyl यूरेसिल दैट इज अनदर नेम ऑफ थायमिन. अब देखो बेटा, पता कैसे लगा कि देयर इज सम न्यूक्लियोटाइड जैसी कोई स्ट्रक्चर है, कोई न्यूक्लिक एसिड जैसी स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो एक बेटा हमारे साइंटिस्ट हुए थे फ्रेडरिक मिशर, हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, ये है फ्रेडरिक मिशर. ठीक है, इन 1869 की बात है, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो डीएनए है, उन्होंने ये बताया कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कहाँ प्रेजेंट है, इन द न्यूक्लियस. सबसे पहले जिसको आइडेंटिफाई किया गया बाय फ्रेडरिक मिशर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ पस सेल, बेटा वो देख रहे थे पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने देखा देयर इज सम एसिडिक सब्सटेंस. ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या बोला, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मिले, न्यूक्लियस के अंदर मिले, तो उन्होंने इसको बोल दिया दैट इट इज न्यूक्लिन. हाउएवर कोई टेक्निकल लिमिटेशंस थी, इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, तो वो आइसोलेट नहीं कर पाए बेटा इनको, इतनी लॉन्ग पॉलीमर को, मतलब बिना कुछ नुकसान किए इंटैक्ट फॉर्म में उसको आइसोलेट नहीं कर पाए वो, किसको, दैट इज न्यूक्लिन को, जिसको उन्होंने नाम दिया. द एलिसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेंड एलूसिव. तो बहुत टाइम तक हमें पता ही नहीं लगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, क्यों, क्योंकि वो इंटैक्ट फॉर्म में पस सेल्स में
जो न्यूक्लिन जिसको उन्होंने नाम दिया उस सब इतने लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को इंटेक्ट मतलब एक बिल्कुल सेम वैसे ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब 1953 में फिर क्या हुआ, देखो ये काम न्यूक्लिन कब डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में. जस्ट इतना बता दिया कि कोई एसिडिक सा सब्सटेंस है जो कहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर. फिर 1953 की बात है, जेम्स वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा जो किसने प्रोड्यूस किया था, मॉरिस विचकिन रोजाल्ट फ्रैंकिन ने, ठीक है, उन्होंने कुछ डाटा दिया. उन डाटा के बेसिस पे मॉरिशस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन के डाटा के बेसिस पर वाटसन एंड ट्रिक ने क्या दिया, एक प्रपोज किया, मतलब ये नहीं बोला कि बिल्कुल ऐसा है, जस्ट एक प्रपोज किया दैट ये जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो मतलब उन्होंने बताया, काम कौन कर रहा था, फ्रेडरिक मिशर. फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस देखा, दैट इज कुछ एसिडिक सब्सटेंस, उसको उन्होंने नाम क्या दिया था बेटा, न्यूक्लिन. 1869 की बात है, 1953 में अच्छा वो उसको इंटेक्ट आइसोलेट नहीं कर पाए थे. फिर 1953 में क्या हुआ, वाटसन एंड ट्रिक ने इन साइंटिस्ट के जो डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो डीएनए जैसा कोई स्ट्रक्चर है, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिक्स है, मतलब हेलिकल है, और क्या है, दैट इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है. तो उन्होंने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया. ओके, अब आ जाओ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. ओके, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द प्रोपोजिशन वॉज, उन्होंने ये बताया हो किसने, वाटसन एंड ट्रिक ने, कि देयर इज बेस पेयरिंग, यहाँ पे बेस बेसिस के बीच पेयरिंग है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मतलब अगर एक चेन ये है, एक चेन ये है, और अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेसिस है, तो इनके बीच में क्या है, कुछ पेयरिंग हो रही है, ठीक है, ये उन्होंने बताया. हाउएवर ये जो इनका जो प्रोपोजिशन था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ दैट फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स वन. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एरविन चारगाफ, उन्होंने बोला ये जो भी मॉलिक्यूल है वाटसन एंड ट्रिक का जो डबल मॉडल हेलिक्स जो उन्होंने दिया डीएनए के बारे में, ये जो भी मॉलिक्यूल है इसके अंदर बेस पेयरिंग है. ठीक है, जैसे एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ. ठीक है, तो इनके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. और एरविन चारगाफ जी ने ये बताया, जितना एडेनिन है उतना ही थायमिन होगा, क्योंकि एडेनिन की जो पेयरिंग है दैट इज ओनली विथ थायमिन. ठीक है, किसके अंदर, डबल हेलिक्स डीएनए के अंदर. और जे इज इक्वल टू सी, देयरफॉर आप ए प्लस जी कर लो, ये किसके बराबर आएगा, ये टी प्लस सी के बराबर आएगा, या ए प्लस जी अपॉन ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी बराबर आएगा एक के, वन के, मतलब दैट इज कांस्टेंट, है ना. तो अंडरस्टूड सी बात है कि बेटा अगर पेयरिंग हो रही है तो एडेनिन जितना पेयरिंग करेगा थायमिन के साथ तो दोनों का अमाउंट इक्वल रहेगा, राइट. बट एक चीज़ याद रखोगे, ये देखो बेस पेयर है एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन, तो इस तरह से इनके बीच में क्या चल रही है, पेयरिंग. दो न्यूक्लियोटाइड की चेन है और ये जुड़ी कैसे हुई है, दैट इज़ एक तरफ है थर्ड प्राइम एंड एक तरफ है फाइव प्राइम एंड. इसको हम डिस्कस करेंगे वाटसन एंड ट्रिक मॉडल को. फिलहाल ये समझो एरविन चारगाफ के रूल को, दैट एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन एंड एप्लीकेबल टू ओनली एंड ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बहुत बार हमारे पास क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन दिखती है हमें, बट हमें सिंपल सी एक चीज़ देखनी होती है, अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पर एरविन चारगाफ रूल अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू डीएसआरएनए. ये कुछ बातें हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम डीएनए का, स्ट्रक्चर हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, राइट. ओके, अब बेस पेयरिंग से क्या हुआ बेटा, it confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. मतलब अगर यहाँ पे thymine आ गया तो understood है कि यहाँ पे adenine ही आया होगा, ठीक है. और कैसे जुड़े हुए, hydrogen bonding है इनके बीच में,
बीच में है ना, एक चेन दूसरी चेन, चेन के बीच में नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दिस टू चेन्स आर जॉइंट टुगेदर. किस फैशन में? इस तरह से इनकी कॉइलिंग है, राइट. And therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted. अगर एक strand का आपको nitrogen base का sequence पता है तो आप दूसरे को automatically बता सकते हैं using Chargaff rule, where adenine is equal to thymine, cytosine is equal to guanine, right? Okay. Also, if we strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, अगर वो टेम्पलेट बनता है किसके लिए? नए DNA को बनाने के लिए. तो दो डबल स्टैंडर्ड DNA जिनको हम डॉटर DNA बोलते हैं, जो प्रोड्यूस्ड होंगे वो भी कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल के. बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA बिकेम वेरी क्लियर. जैसे ही एर्विन चारगाफ रूल जो समझ में आ गया, पेयरिंग समझ में आ गई, तो उसके बाद जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को एक्सप्लेन करना बहुत इजी हो गया. ठीक है, तो ये हमारे सामने डबल हेलिक्स DNA है. क्या हुआ, कैसे हुआ, सब हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही. और नाउ इट्स अ टाइम फॉर द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चन, टू गिव द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चन. ठीक है, कौन से न्यूक्लिक एसिड है इन सम वायरसेस कैन ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था DNA इज अ जेनेटिक मटीरियल, बट कुछ वायरसेस की अगर बात करें तो कौन हो सकता है जेनेटिक मटीरियल? दैट कैन बी, येस इट इज वेरी राइट, RNA कैन बी द जेनेटिक मटीरियल. तो आंसर हो गया हमारा बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA, DNA है, ठीक है, DNA से RNA बने, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था अभी हमने बोला दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन. आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? सी. ओके, आगे आओ. DNA इज अ पॉलीमर ऑफ, DNA किसका पॉलीमर है, किसके यूनिट्स को हम मिला के क्या बना रहे हैं DNA? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट कैन बी DNA, दैट कैन बी RNA. अब वो अगर थायमिन नहीं है तो RNA है, अगर थायमिन है तो वो क्या है? DNA. और RNA के अंदर क्या होगा? थायमिन के जगह पर यूरेसिल. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. अ बैक्टीरियोफाज 5x174, कितनी इसके पास थी बेटा न्यूक्लियोटाइड्स, जल्दी बोलो. 5836 बेस पेयर्स. ठीक है, तो अब देखो कितना कंफ्यूजन करने के लिए कुछ तो याद आ रहा है यार, ऐसा नहीं करना है ना. 5683 था कि 5386 था या 5638 था, क्या था? तो ये नंबर आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है, दैट इज़ ओ 5386, नंबर इज 5386. ठीक है, तो इट क्रिएट्स कन्फ्यूज़न. तो एक बार और देख लेंगे अच्छे से, तो आपको नाम याद रहना, सॉरी नंबर याद रहना चाहिए, दैट इज़. हाँ देखो, यहाँ हमारा भी आंसर रॉन्ग होगा, मीन्स एवरीबडी कैन गेट कन्फ्यूज. दिस इज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, दैट क्रिएट्स कन्फ्यूजन. तो नाम नंबर याद रखोगे 5+3 8. ठीक है, 5+3 8, 6 तो याद रह जाएगा, हर जगह पे 6 याद रह जाएगा, बट 5+3 8, तो इसका मतलब 538 हम पहले लेंगे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडिन, कौन पायरिमिडिन नहीं है? हमने क्या करा था, प्यूरिन कौन कौन थे और पायरिमिडिन कौन कौन थे? पायरिमिडिन हमने पढ़ा CTU और ANG हमने क्या बोला था, प्यूरिन्स है. ठीक है, एंड यू कैन चेक इट वंस अगेन दैट व्हाट आर द प्यूरिन्स एंड व्हाट वर द पायरिमिडिन्स. तो पायरिमिडिन्स हमारे थे CTU, पायरिमिडिन्स कौन से थे बेटा? CTU, साइटोसिन थायमिन यूरासिल, और प्यूरिन थे ANG, प्यूरिन ANG. तो हम आवर आंसर इज दैट इज Which of the following is not a pyrimidine, नहीं है. तो CTU को निकाल दो, इसके अलावा देख लो एडिन थायमिन है, यूरासिल है, साइटोसिन है, तो इसका मतलब एडिनिन नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? दिस इज सी, मीन्स एडिनिन इज नॉट अ प्यूरिन.
So with this we have started with our chapter molecular basis of inheritance और आज हमने complete किया just एक introduction वाला part कि किस तरह से पता लगा कि genetic material क्या होता है, किसने discovery की, कैसे discovery की. Next class के अंदर हम discuss करेंगे about the structure of DNA. So with this it's the time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.